छात्रों, आज हम कक्षा नौवीं विज्ञान विषय में जो हमारा अपना अध्याय सात चल रहा था, हम उसी के बारे में जीवों में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। आपने भाग दो पढ़े, पूरा प्लांटी जगत तक आपने देखा जो पांच जगत थे। आज हम पढ़ेंगे एनिमिलिया जगत के बारे में। जो पांचवा जगत है वो है एनिमिलिया जगत। तो जो एनिमिलिया है इसमें जंतु आते हैं, और वो जंतु आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, और विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और चूंकि जंतु कोशिका है तो इसमें कोशिका जंतु कोशिका होगी, और आप कक्षा नौवीं में पढ़ चुके हो कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और इसमें जो भी आएंगे जंतु वो अधिकतर बहुत ही कम है जो चल स्थिर हैं, सभी इसमें क्या रहते हैं, चलायमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और बहुत बड़ा है ये प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत। तो जो एनिमिलिया जगत है इसको हम 10 फाइलम में बांट सकते हैं। देखेंगे 10 फाइलम के आप नाम देख सकते हो। पहला है पोरीफेरा, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अभी हम पढ़ेंगे। तो दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटी हेलमिंथिस, चौथा निमे तोडा, फिर एनीलिडा आर्थोपोडा, सातवां है मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा, और जो नोमा है वो है, इसको इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, हम इसको हिंदी में भी लिखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। और जो दसवां है वो है आपका वर्टीब्रेटा। ये वर्टीब्रेटा। इस प्रकार एनिमिलिया जगत को 10 फाइलम में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, पोरीफेरा मतलब शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र पूरे शरीर में। ये अधिकतर जल में होते हैं। इस संघ के जो जीव होते हैं वो अधिकतर किसमें रहते हैं, जल में, और अचल हैं, और शरीर के अंदर एक छिद्र नाल प्रणाली पाई जाती है। पूरे शरीर में छिद्रों का संबंध होता है, और एक नाल जैसी क्या बनती है, रचना बनती है। और शरीर जो बाहर का जो आवरण है वो कंकाल, क्योंकि हड्डियां तो होती नहीं है तो बाहर कंकाल से ये ढका हुआ होता है। और पोरीफेरा संघ के जो जीव हैं वो सरल रचना वाले होते हैं। आप देख सकते हो ये उदाहरण, स्पॉन्जिला आपने देखा होगा, कभी स्पंज नाम सुना होगा, कभी समुद्र में इस पड़े रहते हैं, बाहर आके सूख जाते हैं, पूरे शरीर में छेद छेद पाए जाते हैं। कई लोग इसका उपयोग ब्रश के रूप में करने लगते हैं। फिर ये तो इस प्रकार ये बहुत ही सरल संरचना वाले जीव हैं। तो ये सबसे फर्स्ट संघ है जंतु एनिमिलिया जगत का, पोरीफेरा। तो शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, और शरीर बाहर से कठोर आवरण या बाह्य कंकाल से जुड़ा रहता है। दूसरा है सीलेंट्रेटा, ये दूसरे नंबर का जो फाइलम है वो है सीलेंट्रेटा। ये भी पोरीफेरा से इनकी रचना थोड़ी जटिल होती है, तो भी सरल रचना वाले हैं। और इनमें शरीर का निर्माण ऊतकीय कोशिका का जो समूह होता है ऊतकीय स्तर का होता है, और शरीर के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे हम देह गुहा कहते हैं। और ये जो देह गुहा है ये दो परतों से बनी हुई रहती है, और बीच में ये क्या पाई जाती है, गुहा। वास्तविक देह गुहा नहीं रहती है। और इस समूह के जो सदस्य होते हैं कुछ अकेले भी होते हैं और कुछ इकट्ठे रहते हैं। जैसे जो एक समूह में रहते हैं वो है कोरल, और जो अकेले रहते हैं जैसे हाइड्रा। ये देखिए आपको हाइड्रा का चित्र बना हुआ है। ये एक और है समुद्री एनीमोन, ये भी सीलेंट्रेटा संघ का एक उदाहरण है। इनके भी शरीर की रचना रहती है बहुत ही सरल रहती है।
ज्यादा विकसित अंग नहीं पाए जाते हैं। तो शरीर दो परतों से बना हुआ रहता है और देह हुआ। इसके बाद जो तीसरा हमारा आएगा वो है प्लेटी है मिंथिस। सिलेंट्रेटा के बाद जो तीसरा आता है संघ एनिमिलिया की, ये 10 संघ हैं। पहला आपने पढ़ा पोरिफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा और तीसरा हम पढ़ेंगे प्लेटी हेल मिंथिस। इसमें भी देह गुहा पाई जाती है लेकिन देह गुहा वास्तविक नहीं होती है और इनका शरीर द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब है बराबर बराबर दो भागों में बटना, बराबर दो भागों में इनका शरीर बट जाता है। तो इसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मति। मतलब हम 20 से यदि इनको काटें, हिस्सा करें, तो बराबर शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। और ये जो जीव होते हैं बहुत झिल्ली जैसे चपटे होते हैं, बिल्कुल, इसलिए इनको हम चपटे कृमि भी कहते हैं। और इनसे भी ये टेप वार्म, ये देखिए टेप फीते जैसा है, बहुत लंबा होता है। और ये परजीवी है अधिकतर, और ये मनुष्य या फिर सुअर के शरीर में अपना जीवन यापन करता है। और प्लेन एरिया ये भी चपटा है, और ये लीवर फ्लुक, पेन तो गिर ही जाता है, और ये है लीवर फ्लुक। तो इस प्रकार ये प्लेटी हेलमिंथिस के 3 उदाहरण दिए हैं। तो ये इनमें वास्तविक देह गुहा का क्या होता है, अभाव होता है। देह गुहा तो होती है। अगला है जो चौथा है वो है निमेटोडा। चौथा है निमेटोडा, ये भी रोग फैलाने वाले जीव हैं और ये भी परजीवी होते हैं। त्रिकोरक मतलब शरीर में 3 स्तर पाए जाते हैं। बीच में मान लो ये एक देह गुहा होती है और इसकी जो देह गुहा होती है वो कूट सीलोम मतलब वास्तविक नहीं रहती है। ऐसा कीट सीलोम देह गुहा पाई जाती है। और अधिकतर जीव परजीवी होते हैं। गोल कृमि, पिन कृमि, ये कृमि को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, गोल कृमि और फाइलेरिया कृमि। तो आप देखते हो ये आपने मनुष्यों के शरीर में ऐसा एक कॉमन नाम सुना होगा, पटार बच्चों के पेट में हो जाती है। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव हैं जो कि परजीवी होते हैं और हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जो पांचवा है संघ है इसका, वो है एनी लिडा। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके जो महत्वपूर्ण, इसके 10 हैं, तो अभी आपने ये 4 पढ़े। इसके बाद इस जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है पॉलीफेरा संघ के क्या बताइए, लक्षण बताइए, और उसके बाद प्लेटी हेल मिंथिस। ये आपको इस चैप्टर के ये मुख्य प्रश्न है। धन्यवाद।